हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 फीट बाय 52 फीट के प्लान के बारे में। हमने दो प्लान रेडी किए हैं, एक ये है और एक इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो ये आपका प्लॉट एक साउथ फेसिंग प्लॉट है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आपके मेन गेट साउथ डायरेक्शन में है। फ्रंट ओपनिंग छोड़ी गई है 28 फीट 8 इंच बाय 10 फीट के अराउंड। 3 फीट 8 इंच का यहाँ पे वाइड प्रोजेक्शन है, जो ऊपर का आपका यहाँ पे लेंटर दिया हुआ है। यहाँ से एक गैलरी छोड़ी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो आपके घर की मेन एंट्री है वो यहाँ पे ड्राइंग रूम से होके निकलती है। 10 फीट 9 इंच बाय 10 फीट 4.5 इंच का एक ड्राइंग रूम बनाया गया है। यहाँ से एंट्री और यहीं से आप लॉबी में एंटर कर सकते हैं। लॉबी है जो 11 फीट 1 इंच बाय 18 फीट 7 इंच की है। यहाँ पे ग्लास लगाए गए हैं और आप एक एंट्री यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप बाहर से यहाँ से लॉबी में एंटर करना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं 3D में ग्लासेस लगे हुए, तो यहाँ से भी आप एक डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे पूजा रूम बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूजा रूम है एज पर वास्तु। मास्टर बेडरूम यहाँ पे गिवन है 11 फीट 14 11 फीट बाय 14 फीट का, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है एज पर वास्तु। एक टॉयलेट इससे अटैच की गई है और एक टॉयलेट यहाँ पे कॉमन टॉयलेट यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे फिर स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, जो आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। और किचन जो आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बनाया गया है एज पर वास्तु। 8 फीट 10 इंच का आपका किचन है। यहाँ पे प्रोजेक्शन छोड़ी गई है और यहाँ पे रियर ओपनिंग है आपका। और चिल्ड्रन रूम एज पर वास्तु नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्रिएट किया गया है। 11 फीट बाई 10 फीट का आपका स्टडी रूम या चिल्ड्रन रूम आप इसे बोल सकते हैं। जैसे आप ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो एज इट इज पोर्शन फर्स्ट फ्लोर पे बनाया गया है। इसको एज ए बालकनी यूज किया गया है। किचन है, चिल्ड्रन रूम, मास्टर बेडरूम और गेस्ट रूम आप इस चीज को यहाँ से यूज कर सकते हो। और आप इसका यहाँ पे 3D देख पा रहे हैं, तो इस तरीके का डिजाइन आप अपने 3D को दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट बिल्कुल करें। थैंक यू सो मच।